दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम अपने बैंक में चेक डिपॉजिट स्लिप भरते हैं, यानी कि हम चेक जमा करेंगे अपने बैंक अकाउंट में। चेक हमारे पास भरा हुआ आया है कि किसी ने दिया है हमें, और हम उस चेक को जमा करेंगे, यानी जो भी उसका पैसा है, जितना भी उस चेक में है, वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास पहले रहा ये ऊपर चेक, और उसके नीचे ये है चेक पे इन स्लिप या फिर चेक डिपॉजिट स्लिप। आप कुछ भी बोल के मांगिएगा बैंक से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चेक है हमारे पास, पूरा तरह से फिल है, सिग्नेचर है, सब कुछ, अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है, किसी ने दिया हुआ है मुझको। मेरा नाम सलमान अकबर है, तो ये सलीम असगर है, इसने हमें दिया हुआ है 1,00,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अपने पेन स्लिप में यहाँ पे भर देंगे। तो इसको हम पहले देखिए, ऊपर लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद से अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, फिर उसके बाद से अमाउंट इन वर्ड्स, तो हम 1,00,000 ओनली लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 1,00,000 ओनली लिखने के बाद से यहाँ पर नीचे देखा आ रहा है रोकड़ या चेकों का विवरण, डिटेल्स ऑफ कैश और चेक, तो हम चेक नंबर लिख देंगे। चेक नंबर क्या होता है, ये होता है जो फर्स्ट 6 लेटर्स होता है, यही चेक नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये चेक नंबर हम यहाँ से एंटर करते हैं, फिर उसके बाद योग 1,00,000 रुपये है, टोटल हम वहाँ पर भी 1,00,000 लिखेंगे, योग में भी 1,00,000 लिखेंगे। ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये हमें अपने पास रखना है और ये हमें जमा करना है बैंक में। ठीक है दोस्तों, फिर आ रहा रोकड़ और चेकों का विवरण, यहाँ पर भी हम चेक नंबर एंटर कर देंगे, क्योंकि हम पैसा जमा नहीं कर रहे, तो ×2,000 ×5,500 का कोई मतलब बनता नहीं है। ऊपर हम लिख देंगे चेक नंबर एंटर करने के बाद से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चेक नंबर हम जैसे, उसके बाद से हम यहाँ से पैसा डाल देंगे ऊपर टॉप पे 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पर जितना भी हमें जमा करना है, योग भी हमारा उतना ही होगा, वही हम सेम नीचे भी एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद से आता है यहाँ पर दिनांक, डेट, तो हम यहाँ से आज हम जब जमा कर रहे उसका डेट एंटर कर देंगे, फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, फिर होगा फॉर क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ नेम के बचत खाते में जमा करने के लिए, तो अपने बैंक अपने बचत खाता में जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आ रहा है अमाउंट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में हमें लिखना है, तो हम उसके आगे नहीं लिखना है, उसके नीचे लिखना है। देखिए मैंने उसके आगे नहीं लिखा है, 1,00,000 वाली दो लाइनें हैं, उसी के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद से ये डैश जरूर दे दीजिएगा, ताकि हालांकि वो ओनली लिखा है तो कुछ उसके बाद से ऐड कर नहीं सकता कोई। नीचे आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर हम एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से यहाँ रुपीज़, पूरा हम यहाँ पर रुपीज़ लिख देंगे 1,00,000, उसके बाद से ये डैश डाल देंगे, ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम डैश लिख देते हैं एक खड़ी पाई के पास, ताकि कोई उसे और भी जीरो ऐड ना कर सके। यहाँ पर जमाकर्ता का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ अपना, किया नहीं हूँ। ठीक है, अपने कर कमलों द्वारा हस्ताक्षर कर दे रहे हैं। ठीक है, जो कपार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हस्ताक्षर करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने हस्ताक्षर कर दिया, और जिस पर हमने हस्ताक्षर किया यानी सिग्नेचर किया, वही हमें बैंक में जमा करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, यहाँ से हम फाड़ लेते हैं, और लेफ्ट वाली साइड हम छोटा जो पार्ट है वो हम रख लेंगे, इस छोटा वाले पार्ट को, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे स्टेपल करके बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चेकबुक और सॉरी चेक और ये पे इन स्लिप दोनों हम बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम चेक को जमा कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।